कन्नौज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जनसभा को किया संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक को जिताने की जनता से अपील की। साथ ही साथ जनसभा में ये भी कह डाला कि कन्नौज की जनता सुब्रत पाठक जिता देगी तो हम बड़ा आदमी बना देंगे। समाजवादी पार्टी को निशाना साधते हुए राम विरोधी बताए जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठा कन्नौज। जनसभा में लाखों की संख्या में लोग रहे मौजूद। और आज कन्नौज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को भाइयों बहनों, भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित मंदिर और स्वर्गीय गुरुधनलाल कन्नौजिया को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं कन्नौज आया हूं तब महान विचारक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर लोहिया जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जैसे ही मेरा हेलीकॉप्टर कन्नौज में लैंड हुआ, न जाने कहां से इत्र की खुशबू नाक के अंदर जाकर जोर से बोलो दिया या नहीं दिया। ये ऐसा परिवार है है तो भी बाद में नहीं आता है और हारता है तो भी बाद में नहीं आता। ओए कैमरा वाले, कोई ऐसा परिवार है जो जीतता है तो भी नहीं आता है, हारता है तो भी नहीं आता। भाइयों बहनों, कन्नौज वालों, कोरोना की महामारी विकट थी या नहीं थी, जरा जोर से बोलो विकट थी या नहीं थी। अखिलेश जी या डिंपल बहन आए थे क्या? अरे जोर से बोलो आए थे। हमारा सुब्रत आपके बीच में था या नहीं था? टीका लगवाया या नहीं लगाया? सबको टीका लगाया नहीं लगा? जिन जिनको टीका लगा दोनों हाथ उठाओ। जरा जोर से। अपडेट मीडिया के लिए कन्नौज सीएस त्रिपाठी की रिपोर्ट।